कई बार ऊपर नीचे करने के बजाय मार्केट में शांति और गंभीरता की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और मेरे को लगता है 2 दिन की उछल कूद के बाद अब मार्केट गंभीरता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूँ ये शायद अभी नहीं बढ़ेगा, इसका छोटा भाई बढ़ सकता है, वो बैंक निफ्टी है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो निफ्टी के लिए प्रॉब्लम बन रही थी। पहला, उसका बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3, तो बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट जो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का था वो घट के कल 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट से कम हो गया। 8% कल ओपन इंटरेस्ट घटा। मेरे पास 8% है, ये अपडेट नहीं होता कई बार, लास्ट में भाव कॉपी के अकॉर्डिंग 8% है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 9% का हुआ। अगर आप वैल्यूएशन देखें तो अभी भी हम काफी हाई पे हैं, तो और ये जो पिछला क्वार्टर जो गया है, इस क्वार्टर में क्या होता है कि मॉनसून बड़ा ये था, बहुत कुछ फ्लड्स हुए थे बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है। थोड़ा सा वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं बीच में जब ये अनसीजनल रेन्स हुई हैं, तो थोड़ी सी अड़चन रही है इस क्वार्टर में ओवरऑल। बट अभी आगे को देखते हैं कि फेस्टिव सीजन वो एक दिखाएगा रहा कि भाई कितना स्ट्रांग कंजम्पशन है ओवरऑल, वो उस पर एक इंडिकेशन आएगा। बट ये क्वार्टर थोड़ा सा मुझे ख्याल से रेन्स में और इस चक्कर में थोड़ा सा वीक रहने के चांसेस हैं ओवरऑल। बाकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बिकॉज पिछले क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पर इलेक्शन थे तो वो काफी जोर से गिरा था, बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट उसमें देखना है कि जो बजट एलोकेशन 11 ट्रिलियन का किया था वो उसके कितने पास आता है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो शॉर्टफॉल होने वाला है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि जैसे जैसे मॉनसून हटता है उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स की और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो वीक हो जाती है वो कैसे पिकअप होती है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। 52,977 मतलब 53,000 के लेवल के आसपास ही निफ्टी बैंक क्लोजिंग दे रहा है और 25,800 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है, तो दोनों के दोनों इंडेक्स को हम ये लेकर ये कहेंगे कि अपनी जो अहम सपोर्ट से उसको बचाने की कोशिश आज होती रही, दिन भर यही जद्दोजहद रही। आईटी स्टॉक्स कुछ कुछ हमने देखा कि आज फेवर में रहे, टेक महिंद्रा को लेकर रिपोर्ट अच्छी थी ये शेयर चला है। आईटी में अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस भी चला और एससीएल टेक विप्रो में भी आज हमने तेजी देखी है। बैंकिंग में आज मिला जुला रुझान रहा, सरकारी बैंकों में एसबीआई थोड़ा सा चला जरूर है, कोटक बैंकों में भी तेजी रही 1.5% के आसपास है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड में आज कमजोरी रही और बाजार पर आज अगर हम नकेल किसी ने कसी तो वह है रिलायंस का शेयर, 1% के आसपास ही गिरावट हमने वहां पर देखी।